हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद पैशन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पटेटो स्माइली। ये स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो बड़े आकार के आलू लिए हैं, इन्हें उबाल के मैश किया है। एक कटोरी उसमें मैंने ब्रेड क्रम्ब डाला है, बड़ी वाली कटोरी से। 4 छोटे चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का लिया है। कुटी हुई काली मिर्च ली है, थोड़ा लाल मिर्च ही डाला है आधा चम्मच, और 1 चम्मच मैंने नमक डाला है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, और अच्छी तरह धीरे धीरे हमें एक डो तैयार करना है, इस तरह से जो हाथ में लेने पर बिल्कुल भी चिपकता नहीं हो, एकदम नॉन स्टिकी हो, इस तरह से। अगर आपका डो थोड़ा गीला है तो आप उसे आधा घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, और इस तरह से उसे हाथों से प्रेस करते हुए एक मीडियम शेप देना है। अब मैं एक ढक्कन की सहायता से हमारे स्माइली तैयार करूंगी। अगर आपके पास कुकीज़ कटर है तो आप उसकी भी सहायता ले सकती हैं, इस तरह से। किसी भी तरह का ढक्कन ले सकती हैं आप। और हमें इसकी मोटाई इतनी रखनी है जैसे मार्केट में जो पोटैटो स्माइली आते हैं, उसी तरह से। अब हमें अपनी स्माइली का फेस बनाएंगे। मैंने एक वुडन स्टिक लिया है इसकी आंखें बनाने के लिए। अगर आपके पास टूथपिक है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्ट्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें इसकी आंखें बनानी है। आंखें थोड़ी बड़ी बनानी है, नहीं तो फ्राई करते वक्त। अब हम एक स्पून की सहायता से इसका फेस बनाएंगे, स्माइली वाला, इस तरह से अच्छे से। इस तरह से हमें अपने सारे स्माइली तैयार करने हैं। ये देखिए, मैंने अपने सारे स्माइली को तैयार किया है। अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है, और इसे हमें मीडियम आंच पे ही फ्राई करना है। इन्हें फ्राई करते हुए 10 मिनट लगेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करना है, उलटते पलटते हुए। और इन्हें लाइट गोल्डन ब्राउन का होने तक हमें फ्राई करना है। कॉर्नफ्लोर डालने से इसमें क्रिस्पीनेस आ जाता है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप चावल के आटे का भी उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे स्माइली तैयार हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे पोटैटो स्माइली तैयार हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।